तुमको इतना हम चाहेंगे, तुम पागल, तुम पागल हो जाओगे। बहुत थैंक यू हमको टी वाले भैया। अच्छा अच्छा चट्टी बंद दिखा हमें। आ कहा कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा, पूछे तो पूछे किससे। आंटी त्यो झर्ना कता, यो बाटो कि माथि। गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। अभी सुबह के 12 बज रहे और आज हम लोग फुंगफुंग वाटरफॉल जा रहे हैं, जो कि ककनी में है भाई। और ककनी जो है नुआकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये काठमांडू से करीब करीब 30 किलोमीटर दूर है। और यहाँ जाने के लिए आप सबको रास्ता जो है ये बस पार के आगे चक्र पर होते हुए आगे जो बस पार्क मिलता है वहाँ से हम लोगों को राइट टर्न मारना होता है, जो नागार्जुन रोड नेशनल पार्क के अंतर्गत में उधर है ना एरिया, उसी साइड से जाता है त्रिशूली हाईवे के अंदर। तो गाइस आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं क्योंकि गर्मी सीज़न है, तो आज हम लोग ना स्विमिंग करने वाले हैं यार वहाँ पे। भाई स्विमिंग करना आए या ना आए, लेकिन यार नहाना तो बनता है क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है, गर्मी है, और यार गर्मी का सीज़न है तो नहाना तो बनता है भाई। तो चलो मिलते हैं अपने डेस्टिनेशन की। और भाई वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आप सब इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दोगे, कैसे जाना है और कहाँ से होकर जाना है ये सब आप मिस कर दोगे, और ख़ास करके अच्छे अच्छे पार्ट। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनते रहना भाई लोग। ये बस पार पहुँच चुके हैं, यहाँ से आप सबको दो रास्ता दिखेगा, एक लेफ्ट, लेफ्ट से हो जाओगे तो सीधे कलंकी पहुँचेगा भाई, और हम लोग को जाना है राइट, राइट से हम लोग को मोड़ते हुए जाना है, त्रिशूली हाईवे पकड़ना है, नागार्जुन एरिया, नागार्जुन हिल। और अगले वीडियो में भी आप सबको बहुत पहले मिला होगा उत्सु तपोवन का वीडियो, बस वही रास्ता होते हुए आगे जाएंगे और भुवनेश्वर टेम्पल के रास्ता होते हुए। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा, तू तड़पने लगा, मैं मचलने दोस्तों। यार हम लोग कितना 30 किलोमीटर ट्रैवल करके भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे रानी पौवा पहुँच चुके हैं, और रानी पौवा के बाद एक रास्ता आता है नीचे जाने वाला, वो वाला भाई हम ही पकड़े हैं। अभी इधर से किधर है, इधर नीचे ही होगा शायद। तो अभी हम लोग ना काठमांडू से दूर भीड़ भड़ाका शोर शराबा से यार 34 किलोमीटर दूर कहीं और दूसरे गांव में अभी आ चुके हैं, और यहां का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए अभी हम लोग इतना ऊपर में हिल में है ना भाई, देखिए पूरा पहाड़ नीचे दिखाई दे रहा है। ओके देखिए छोटे छोटे गांव देख रहे हैं, और अभी भी हम लोगों को यहां से यार अभी अभी 4-5 किलोमीटर अभी भी दूर है भाई। चलो देखते हैं आगे का अपडेट आप सबको देते रहेंगे। आज तो कैसे भी करके यार वो झरना वाटरफॉल जाना ही है और साथ में नहा कर आना है आज तो। यहां पे देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, और भाई रास्ता की तो क्या ही हाल बताए, रास्ता को तो इतना ख़राब है ना भाई, अगर थोड़ा भी ब्रेक इधर उधर हुआ ना तो भाई सीधे गए तुम काम से। अच हा हा हा, रबीन अगर यहाँ से गिरा ना तो रबीन का भाई हड्डी पसली तक नहीं मिलेगा। और आगे देखे दीदी फूं फूं जाना कोता हो, बहुत थैंक यू। तो यार उनसे हम पूछे थे उनसे गाइस, यार हम लोग ना यहाँ पे फाइनली 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद राइड करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है यहाँ पे पीछे ऐसे, और यहाँ देखिए पीछे इतना बड़ा बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, और साथ में मेरा यार रवीन दोस्त। तो यार आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग और
सर के साथ। तो अभी बस फाइनली हम लोग 5 मिनट दूर है बस अब फुंगफुंग धरना के पहुंचने में। तो चलिए अब मिलते हैं वहीं पे। क्या तुम्हें याद है पता नहीं, कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा। अब पूछ तो किसे पूछो भाई, और ऐसे नीचे बाइक ले भी नहीं जा सकते हैं क्या यार? कैसी जगह है यार, कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा। पूछे तो पूछे किससे? हेलो आंटी, आंटी क्यों झरना कोता यो बाटो की माथी? तो गाइस फाइनली हम लोग यार ये आ ही गए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है देखिए। तो अब यार दिल को बहुत चैन हो गया, अब महसूस हो रहा है चैन। तो हम लोग फाइनली यार काठमांडू से इतना 34 किलोमीटर ट्रैवल करके ना यहाँ पे ये फुंगफुंग झरना के करीब पहुँच चुके, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं अपना हेलमेट ले लेता हूँ यार, उसके बाद चलता हूँ। चलिए मेरा दोस्त रवीन भी आगे है, तो देखिए वहाँ नीचे जाने का रास्ता यही है। अरे हम लोगों को ना यार बहुत सामना करना पड़ा, बहुत कुछ दोस्तों। हम लोग यार फुंगफुंग झरना ना अब बस नीचे जा रहे हैं, ये बस कुछ सीढ़ियाँ दूर है, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही गजब रहने वाला, गजब यार। हम लोग को रास्ता में ना बहुत कुछ सामना करना पड़ा, बहुत ऑफ रोड सा है, ठीक है, ऑफ रोड का तो बाप भाई वो भी सह के आए हम लोग। बहुत ओहो बहुत सारे लड़कियां भी है यार यहाँ पे। तो मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना खतरनाक दिखेगा, इतना ऊपर, बाप रे देखो यहाँ से इतना इतना नीचे, हम लोगों को कितना नीचे जाना यार, नीचे देखने में भी डर लग रहा है, बाप रे यार। मैं ना जितना आँखों से देख रहा हूँ उतना मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सब यहाँ पे आकर देखना यार, बहुत गहरी है भाई, बहुत नीचे यार। और देखो हम लोगों को उतना नीचे तक जाना है अभी, देखो यहाँ इतना ऊपर से जा रहा है, बहुत नीचे जाना है हम लोगों को। ऊपर सीढ़ी दिखाई दे रही है ना वहाँ ऊपर से, ये तो बस यहीं तक है, ऊपर गोल गोल घूम के है, वहाँ से चढ़ चढ़ के ना नीचे नीचे कर कर के यहाँ तक आए हैं, पहुँचे हैं देखिए। और यहाँ हम लोग को कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। कमिंग कमिंग मैन, यम है हम। मजा आ गया साले।
खाने के लिए ना आप लोग को कोई भी शर्म नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चेंजिंग रूम यहाँ पे है भाई, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी रहते हैं यहाँ पे, इसलिए शर्म करने का नहीं। इसका चड्डी दिखा दूँ मैं, दिखा चड्डी वाले भैया, चड्डी वाले भैया वाले भैया। अच्छा अच्छा चड्डी मत दिखा, हमें हाथ बड्डी दिखा, बड्डी चड्डी मत दिखा। दोस्तों आज हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे, ये धरना पे नहाने के लिए, वो तो नहा चुके हैं, और भाई अब बस बारी है कुछ खा पी के यहाँ से निकलने की। तो ये जगह बहुत ही बेस्ट है, आप सब एक बार यहाँ पे ज़रूर आना, ठंड के मौसम में या वो बरसात के मौसम में होते ना तब ये पानी भरा हुआ रहता, तब आप सबके लिए यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप सब ना इससे पहले आना, गर्मी में आना, और भाई नहाओ। आज हम यहाँ पे यार जिस काम के लिए आए थे नहाने के लिए, वो तो नहा चुके हैं, और ये जगह ना बस गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है, तो आप सब यहाँ पे आना, घूमना फिरना और नहाना भी साथ है यार। और ये ना काठमांडू से 35 किलोमीटर थोड़ा दूर पड़ता है अंदर दोस्तों, तो आप सब यहाँ पे ज़रूर आना यार और घूमना फिरना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया लोकेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ढाई ढाई करना, और आप सभी चाहते हो इसी तरह हमारी तरह घूमना मौज मस्ती करना तो भाई को फॉलो ज़रूर करना। तो लोकेशन आप सबको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।